तो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो टेकी किसी ब्रॉस यूट्यूब चैनल का मार्शल अभिनव चौधरी। तो फ्रेंड्स, आज के इंटरेस्टिंग वीडियो में गाइज मैं न्यू अनबॉक्सिंग और रिव्यू के साथ आया हूँ आप सभी के बीच। और गाइज, आज की वीडियो में आपको इस बॉक्स को अनबॉक्स करके दिखाऊंगा और इसमें जो कि गाइज हमारा वन प्लस का नेक बैंड है उसकी मैं आपको फुल डिटेल रिव्यू दूंगा। मैं आपको इसका डिज़ाइन दिखाऊंगा, बिल्ड क्वालिटी दिखाऊंगा और इसकी साउंड की क्वालिटी भी आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो गाइज, आज की वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो गाइज, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और जैसे कि मैंने आपको पहले बोला है कि हमारे चैनल पर आपको जेन्युइन और अनबायस्ड रिव्यू देखने को मिलती है, क्योंकि गाइज ये सारे प्रोडक्ट्स हम अपने खुद के पैसों से खरीदते हैं। तो ये प्रोडक्ट जैसा हमें लगता है हम वैसा आपको डायरेक्ट बताते हैं, इसमें कोई भी हिडन रिव्यूज़ नहीं होती है। जो जैसा ये प्रोडक्ट है वैसा आपको देखने को मिलेगा हमारे वीडियोस में। तो गाइस, इस तरह के जेन्युइन रिव्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दे। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और चलिए, बॉक्स को हमने कट कर दिया। गाइस, बॉक्स से बाहर निकालते हैं हमारे इस प्रोडक्ट को और गाइस देखते हैं बॉक्स में हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। तो गाइस, बॉक्स में यहाँ पे हमें बिल देखने को मिल जाता है। तो गाइस, बिल को अंदर रख देते हैं। इसका मॉडल है वन प्लस बुलेट वायरलेस Z2। जी हाँ, ये वन प्लस का बुलेट्स वायरलेस Z2 नेक बैंड है। आप देख पा रहे हो इसके ऊपर आपको इसका डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। पीछे की बात करो तो यहाँ पे पढ़ पा रहे हो फ्री योर म्यूज़िक, यहाँ पे पढ़ पा रहे हो इसके बारे में डिटेल, आपको क्या क्या इस बॉक्स के बारे में बताया गया इस प्रोडक्ट के बारे में। तो क्या वन प्लस का बुलेट वायरलेस Z2 एक्योस्टिक रेड इसका कलर है। मिनिमम रिटेल प्राइस आप पढ़ पा रहे हो 2299 आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हो। वायरलेस ईयरफोन है, प्रोडक्ट मॉडल क्या है, प्रोडक्ट कलर क्या है, सारा चीज़ यहाँ पे पढ़ पा रहे हो। बॉक्स यूनिट क्या है आप ये भी पढ़ पा रहे हो यहाँ पे। तो गाइस, जल्दी से इसके बॉक्स को ओपन करते हैं और गाइस मैं आपको इस प्रोडक्ट का लुक दिखाता हूं। तो गाइज, ये है हमारा वन प्लस का बुलेट्स वायरलेस Z2 नेक बैंड। आप यहाँ पे देख पा रहे हो सबसे ऊपर आपको नेक बैंड रखा हुआ मिल जाता है और इसके नीचे आपको क्या क्या मिलता है चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो गाइज, नीचे के कंपार्टमेंट में आप देख पा रहे हो आपको इस तरह का कंपार्टमेंट देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो गाइज, इस कंपार्टमेंट में हमें कुछ पेपर वर्क देखने को मिलेंगे और कुछ एक्सेसरीज देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे पढ़ पर आपको यूज़र मैनुअल मिल जाता है वन प्लस बुलेट्स वायरलेस Z2 का, वन आपको यूज़र मैनुअल मिल जाता है। आपको एक चार्जिंग केबल मिल जाता है यहाँ पे टाइप सी का, आप यहाँ पे देख पा रहे हो आपको टाइप सी का यहाँ पे चार्जिंग केबल देखने को मिलता है इस नेकबैंड के साथ। यहाँ पे आपको मिल जाता है रेड केबल क्लब का एक कार्ड, जिसमें कि जिसकी मदद से आप रेड केबल क्लब में आप ज्वाइन कर सकते हो। और आपको क्या मिलता है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयर मफ्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि गाइस डिफरेंट ईयर की साइज़ के हिसाब से आपको दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ आपको इस नेकबैंड के साथ देखने को मिलते हैं एक्सेसरीज के तौर पर। और गाइज, यहाँ पे अब हमारा आता है नेक बैंड। तो गाइज, चलिए जल्दी से नेक बैंड की तरफ चलते हैं और गाइज आपको नेक बैंड का डिटेल लुक दिखाता हूँ। तो गाइज, इस तरह का लुक है हमारे इस नेक बैंड का, आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो गाइज, इस तरह का आपको इस नेक बैंड का डिज़ाइन मिलता है। चलिए मैं आपको इसे बाहर निकाल के दिखाता हूँ इसके पैकेजिंग से और तब मैं आपको इसका लुक दिखाता हूँ। तो गाइस, बहुत ही सॉफ्ट सा डिज़ाइन है आपके इस नेकबैंड का, देख पा रहे हो इजीली ये रोटेटेबल भी है। आपको इसको इस तरह से पूरा फ्लेक्सिबल ये नेकबैंड आपको देखने को मिलता है वन प्लस का। और देख पा रहे हो ये मैग्नेटिक आपको ईयर टिप्स इसमें देखने को इस तरह के मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे तीन कंट्रोल देखने को मिलता है, वॉल्यूम इंक्रीज, म्यूजिक नेक्स्ट और बैकवर्ड का, वॉल्यूम डिक्रीज का, और बीच वाला बटन आपको ऑन ऑफ के लिए मिल जाता है। अभी देख पा रहे हो ये ऑफ है, जैसे हम यहाँ से इसे डिसकनेक्ट करेंगे तो गाइस आप इस तरह से इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। देख पा रहे हो ये हमारा नेकबैंड ऑन हो चुका है। जी गाइस, ये पावर ऑन हो चुका है, पेयरिंग मोड में आ चुका है। जैसे इसे हम टच करेंगे हमारा नेकबैंड वापस ऑफ हो जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी आपको मिलता है इस वन प्लस के बुलेट वायरलेस Z2 में। यहाँ पे आपको माइक का सपोर्ट मिल जाता है देखने को, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। और इस साइड बात करते हैं, यहाँ पे आपको चार्जिंग स्लॉट देखने को मिल जाता है टाइप सी का। इस साइड में आपको बात करते हो गाइस, इस साइड में आपको वन प्लस की ब्रांडिंग मिल जाती है देखने को, यहाँ पे आप वन प्लस की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। और गाइस, इस साइड में आपको कुछ नहीं दिया गया है। तो गाइस चले चलते हैं, ब्लूटूथ को ऑन करते हैं। और गाइस इसे चलिए पेयर करते हैं, हमने इन दोनों को अलग कर दिया है। तो गाइस ये पावर ऑन हो चुका है, अब गाइस ये शो करेगा। देख पा रहे हो गाइस, डिस्कनेक्ट करते ही यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर चुका है वन प्लस बुलेट Z2 वायरलेस। गाइस हमें इस पर टैप करना है और गाइस ये पेयर होना स्टार्ट हो जाएगा।
देख पा रहे हो गाइस, ये बूम गाइस पेयर हो चुका है हमारे वन प्लस बुलेट वायरलेस Z2 से। और पेयर होने के बाद आपको यहाँ पे इंडिकेशन डिफरेंट देखने को मिलता है। अब देख पा रहे हो, मैं इसे वापस से कनेक्ट करूँगा और गाइस ये ऑफ हो जाएगा और फ़ोन से भी डिसकनेक्ट हो जाएगा। देख पा रहे हो, ऑफ हो गया और फ़ोन से डिसकनेक्ट हो गया। वापस इसे हम अलग करेंगे, ये ऑन हो जाएगा और फ़ोन से कनेक्ट होता है कि नहीं ऑटोमेटिकली, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो गाइस ये वापस से कनेक्ट भी हो गया। तो गाइस इस तरह से आप इस नेकबैंड को कनेक्ट और डिसकनेक्ट कर सकते हो। जब आपको इसका नीड हो आप इसे अलग रखें, जब आपको इसे ऑफ करना हो तो आप इसे कनेक्ट कर दें, ये आपका ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा। और फ्रेंड्स अब मैं आपको माइक की क्वालिटी चेक करके दिखाता हूँ कि इस नेकबैंड की माइक की क्वालिटी हमें कैसे मिलती है। मैं इसमें वॉइस रिकॉर्ड करूँगा और आपको मैं वॉइस रिकॉर्ड सब प्ले करके दिखाऊँगा। हेलो, तो गाइस जैसे कि आप देख पाओगे, ये मैं आपको सैंपल ऑडियो टेस्ट दे रहा हूँ इस नेकबैंड का। मैं आपको जल्दी इसका सैंपल टेस्ट प्ले करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो गाइस मैं आपको प्ले करके दिखाने वाला हूँ इस ऑडियो सैंपल को डायरेक्टली इस नेकबैंड से, और इसे मैं अपने माइक के पास कनेक्ट करूँगा। पहले मैं साउंड को फुल कर देता हूँ। तो गाइस आपने सैंपल टेस्ट सुना कि नेकबैंड का आपको किस तरह का सैंपल मिलता है और गाइस किस तरह की साउंड की क्वालिटी मिलती है देखने को। अगर आप इस नेकबैंड को पहन के वीडियो भी बनाते हो या व्लॉग बनाते हो तो इसमें आपको किस तरह की माइक की क्वालिटी मिलेगी या किस तरह का ये नॉइज़ कैंसिल करेगा आपके बैकग्राउंड का, तो वो चीज सैंपल आपको मिला होगा। अब गाइस जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिस वीडियो में आपको इसका कंपैरिजन दिखाऊंगा अपने अदर नेकबैंड्स के साथ। और गाइस अगर आपको इस नेकबैंड के बारे में और भी कुछ जानना हो तो आप कमेंट करें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, मैं आपको उससे भी रिलेटेड वीडियो दे दूंगा अपने आने वाले वीडियोज़ के अंदर। तो गाइस प्लस के नेकबैंड में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। जब जैसा कि कंपनी का कहा गया है कि अगर आप इसे 10 मिनट चार्ज करोगे तो आपको 20 आवर्स का प्लेबैक मिलेगा। 12.4 mm का डायनेमिक ड्राइवर दिया गया जो कि गाइस डीप बास के लिए यूज़ किया जाता है। IP55 रेटिंग है जो कि गाइस वाटर और स्वेट रेसिस्टेंट देखने को मिलता है। 30 आवर्स की बैटरी बैकअप कहा गया है कंपनी के द्वारा। लाउड और क्लियर इसकी आपको साउंड क्वालिटी मिलती है। AI नॉइस कैंसिलेशन है जो कि वॉइस ऑडियो को क्लीन कर देगा ऑटोमेटिकली। और गाइस ऑल डे यूज़ के लिए इस नेकबैंड को यूज़ किया जाता है। और मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो फास्ट चार्जिंग का तो मैंने आपको बता दिया, और मैं आपको डिटेल बताऊं तो ये गाइस गेमिंग के लिए नहीं है। अगर आप गेमिंग के पर्पज़ से इस नेकबैंड को बाय करना चाहते हो तो गाइस गेमिंग के लिए ये नेकबैंड आपको ज़्यादा बेटर साउंड नहीं करेगा। ये आप तब ले सकते हैं जब आपको सिर्फ म्यूज़िक प्ले करना हो, तो आपको बहुत ही नेक्स्ट लेवल का साउंड क्वालिटी आपको प्रोवाइड करेगा। और जब आप इसे अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करोगे तो आपको AAC का भी सपोर्ट मिलता है जो कि गाइस हाई क्वालिटी साउंड के लिए यूज़ किया जाता है। लाउड और क्लियर आपको इसका साउंड मिलेगा। AI नॉइस कैंसिलेशन भी है। और गाइस इसके ईयरबड्स को ऐसा कंफर्ट जोन में बनाया गया है कि अगर आप इसे अपने ईयर में पुट करोगे तो आपकी ये बाहर के सराउंडिंग के सारे साउंड को कम कर देता है और आपको सिर्फ म्यूज़िक सुनने का ऑप्शन देता है। फास्ट पेयर का भी आपको सपोर्ट मिलता है इसमें, आप इसे इजीली पेयर कर सकते हो अपने किसी भी डिवाइस के साथ। ब्लूटूथ ड्राइवर की बात करूँ तो आपको इसमें 5 का सपोर्ट मिलता है ब्लूटूथ ड्राइवर का, और इसमें आपको माइक सपोर्ट मिल जाता है देखने को। बैटरी लाइफ इसका 30 आवर्स कहा गया है कंपनी के द्वारा। चार्जिंग टाइम आपको इसको 10 मिनट्स मिलता है। 10 मिनट्स अगर आप इसे चार्ज करोगे तो आप अप्रॉक्सीमेट 20 आवर्स का प्लेबैक ले सकते हो इससे। और गाइस अगर आपको मैं बताऊं इसका प्राइस कितना है तो गाइस प्राइस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। अप्रॉक्स अगर आप इसे सेल्ड या फेस्टिव सीजन के टाइम बाय करते हो तो आपको इसका प्राइस अप्रॉक्स 1600 पड़ेगा। और गाइस अगर आप इसे जनरल डेज में बाय करोगे तो आपको इसका प्राइस अप्रॉक्स 2000 देखने को मिलता है जो कि गाइस आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पर मिल जाता है। और माइक की क्वालिटी भी मैंने आपको चेक करके दिखाया, आप ये भी प्रूफ देख सकते हो क्योंकि गाइस ये अभी मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस नेकबैंड को पेयर करके। तो गाइस आप साउंड की क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हो अगर आप इस नेकबैंड को पेयर करके कोई भी वीडियो या व्लॉग शूट करते हो तो आपको किस तरह की साउंड की क्वालिटी देखने को मिलेगी।
तो गाइज ये भी एक तरह का आपको सैंपल हो गया कि आपको कैसा साउंड क्वालिटी और माइक क्वालिटी देखने को मिलता है स्नेक बैंड के अंदर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो गाइज वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नहीं हो तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि गाइज मैं आप सभी के लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ आप सभी से अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, तब तक के लिए टिल देन कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट।